नमस्ते, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने हाल ही में कहा था कि इस बार आईपीएल 2020 में ऑल स्टार मैच भी खेला जाएगा। गांगुली ने कहा था कि सीजन की शुरुआत से पहले ये मैच होगा। ऐसे में हो सकता है कि लोगों को लगा हो कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑल स्टार मैच का ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये पहले भी कई लीग में होता है। अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA में ये मैच पिछले 7 दशक से खेला जा रहा है। दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स लीग में से एक NBA में हर साल ऑल स्टार मैच खेला जाता है। NBA में ऐसे मैचों की शुरुआत साल 1951 में हुई थी। यह एक एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी मैच होता है। रेगुलर सीजन पर इसके रिजल्ट का कोई असर नहीं होता। ऑल स्टार मैच में NBA के स्टार प्लेयर्स खेलते हैं। ये मैच NBA ऑल स्टार वीकेंड का सबसे अहम इवेंट होता है। ये इवेंट हर साल फरवरी के महीने में शुक्रवार से रविवार तक होता है। इस वीकेंड में कई इवेंट होते हैं। ये लीग मुख्यतः 2 भागों ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में बटी है। ऑल स्टार मैच में इन दोनों कॉन्फ्रेंस से एक एक टीम खेलती है। साल 2018 से इन टीमों को इनके मुख्य स्टार के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑल स्टार 2020 की टीम को टीम लेब्रॉन और टीम जियानस के नाम से पुकारा जा रहा है। इसमें खेलने वाले स्टार्स का सिलेक्शन वोटिंग के जरिए होता है। फैंस, प्लेयर्स और मीडिया के वोट तय करते हैं कि इस गेम में स्टार्ट करने वाले प्लेयर्स कौन होंगे। वोटों को 3 टुकड़ों में बांटा जाता है, 50% फैंस के वोट और 25-25% प्लेयर्स और मीडिया के। दोनों टीमों में 12-12 प्लेयर्स होते हैं। इनमें से 5-5 स्टार्टर जबकि बाकी के 7-7 रिजर्व प्लेयर्स होते हैं। स्टार्टर प्लेयर्स का सिलेक्शन वोटिंग से होता है जबकि रिजर्व प्लेयर्स को NBA टीमों के कोच चुनते हैं। हर टीम के कोच प्लेयर्स के लिए वोट करते हैं। इसमें शर्त यह होती है कि कोई भी कोच अपनी टीम के प्लेयर को वोट नहीं कर सकता। स्टार्टर की वोटिंग में अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस के सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले प्लेयर्स कप्तान चुने जाते हैं। इसके बाद वे प्लेयर्स ड्राफ्ट से अपनी अपनी टीम के लिए प्लेयर्स को चुनते हैं। इस ड्राफ्ट के पहले 8 प्लेयर्स स्टार्टर होते हैं। ये सेम उसी वोटिंग प्रक्रिया से आते हैं जिसके जरिए कप्तानों को चुना गया होता है। इन दोनों टीमों को कोच करने का मौका 2 फरवरी 2020 को दोनों कॉन्फ्रेंस के टेबल के टॉप पर रहने वाले टीमों के कोच को मिलता है। इसमें एक पिच यह है कि कोई भी कोच लगातार 2 बार ऑल स्टार का कोच नहीं बन सकता। इसी के चलते इस साल ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस का टेबल टॉप करने वाली टीम मिलवाकी बक्स के कोच माइक बडहोल्जर की जगह दूसरे नंबर की टीम टोरंटो रैप्टर्स के कोच निक नर्स को टीम जियानस को कोच करने का जिम्मा दिया गया है। कई बार होता है कि कुछ बुरी चीज़ें भी भविष्य के लिए अच्छी कर जाती हैं। साल 1950-51 में एक स्कैंडल हुआ था। इसे कॉलेज बास्केटबॉल पॉइंट शेविंग स्कैंडल कहते हैं। क्रिकेट की स्पॉट फिक्सिंग जैसे स्कैंडल ने पूरे बास्केटबॉल जगत को हिलाकर रख दिया था। बास्केटबॉल से लोगों की रुचि कम हो रही थी। ऐसे में उस वक्त NBA प्रेसिडेंट पोडोलोफ, NBA के पब्लिसिटी डायरेक्टर कोहेन और NBA टीम बोस्टन सेल्टिक्स के मालिक वॉल्टर ब्राउन ने एक मीटिंग की। इस मीटिंग में कोहेन ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लोगों का अटेंशन दोबारा से वापस पाने के लिए हमें लीग के बेस्ट प्लेयर्स के बीच एक मैच कराना चाहिए। इस सुझाव पर लीग प्रेसिडेंट समेत ज़्यादातर लोग सहमत नहीं थे, लेकिन ब्राउन को भरोसा था कि यह सफल होगी। उन्होंने इसे होस्ट करने और इसका पूरा खर्च उठाने की पेशकश कर डाली। पहला ऑल स्टार मैच ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के बीच खेला गया। इस मैच को ईस्टर्न ने 111-94 के अंतर से जीता था। सेल्टिक्स के एड मैकौली को पहला ऑल स्टार MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया था। ये मैच खूब सफल हुआ। इसे देखने 10,094 लोग पहुंचे। ये उस सीजन की एवरेज अटेंडेंस 3,500 से बहुत ज़्यादा था। साल 2010 में हुए NBA ऑल स्टार को 108,713 फैंस ने देखा। ये एक रिकॉर्ड है। इस बार का ऑल स्टार यानी ऑल स्टार 2020 शिकागो में खेला जाएगा। ये मैच शिकागो की बास्केटबॉल टीम शिकागो बुल्स के घर यूनाइटेड सेंटर में होगा। शिकागो तीसरी बार ऑल स्टार होस्ट करेगा। इससे पहले 1973 और 1988 में यहाँ ऑल स्टार खेला जा चुका है। इस बार जियानिस एंटेटोकुनपो की टीम को खेलना होगा लेब्रॉन जेम्स की टीम से। दोनों टीमों के स्टार्टर और रिजर्व प्लेयर की लिस्ट आ चुकी है। मैच इसी वीकेंड खेला जाएगा। द लल्लनटॉप इस मैच को आप तक पहुंचाने के लिए शिकागो में मौजूद है। हमारे साथी सूरज और रजत सेन शिकागो पहुंच चुके हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए ऑल स्टार 2020 के रोमांचक अंदाज को जानने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने इसे YouTube पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप इसे Facebook पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। कैमरा पर्सन मोहन के साथ मैं विपिन, शुक्रिया।